डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, न्यू प्रैक्टिस सेट, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सम जीन्स आर कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस्ड इन द बैक्टीरियल सेल, दी जीन्स आर कॉल्ड, इसको कहते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन्स। और जीन दैट आर कंटिन्यूसली फंक्शनल एंड हुज रेगुलेशन आर एट टिश्यू लेवल इन किडनी लीवर एंड किडनी लीवर आर नाउन एज। दूसरे का सही होगा यहाँ पर, हाउस कीपिंग जीन्स। विच टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वुड बी मोर सक्सेसफुल एस जज्ड बाई इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। तीसरे का भी होगा यहाँ पर, वन दैट एक्सप्रेस सम ऑफ इट्स जीन्स सम ऑफ टाइम। अन एनवायरमेंटल जीन एजेंट दैट ट्राइगर ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अन ऑपरन इज ए या अन। तीसरे का, चौथे का ये हो जाएगा इंड्यूसर। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, फाइव का सी होगा, जैकब एंड मोनोड। ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट विच कंट्रोल द जेनेटिक एक्सप्रेशन इज नाउन एज। कोऑर्डिनेटेड यूनिट है जो कि जेनेटिक बता रहा है, जेनेटिक कंट्रोल जेनेटिक एक्सप्रेशन उसको क्या कहते हैं, उसे क्या किससे जाना जाता है, ओपेरॉन। ए फंक्शनल कम्प्लेक्स ऑफ कंप्राइजिंग ए क्लस्टर ऑफ जीन्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर जीन एंड प्रोमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। ए रेगुलेटर जीन वाज डिस्कवर्ड बाई, सेवन का यहाँ पर ए हो जाएगा, जैकब एंड मोनाड 1961। कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन वाज प्रपोज्ड बाई जैकब एंड मोनाड, ऑप्शन आठ का बी हो जाएगा। ओपेरॉन इज नाउनेस, ओपेरॉन को हम क्या कहते हैं, तो ओपेरॉन इज नाउनेस, नाइन का ए हो जाएगा। सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन्स रेगुलेटेड मेटाबॉलिक पैथवे इन प्रोकैरियोटिक्स। विथ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ जीन विद इन द ओपेरॉन, टेन का यहाँ पर रेगुलेटर प्रोमोटर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चर, इस प्रकार के सिक्वेंस पाए जाते हैं जीन्स के ओपेरॉन के बीच। अंदर सिक्वेंस होता पहले रेगुलेटर यानी आर पी ओ एस ध्यान कर सकते हैं, रेगुलेटर पहले, फिर दूसरा यहाँ पर प्रोमोटर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा स्ट्रक्चर, ये सिक्वेंस होता है यहाँ पर ओपेरॉन के अंदर। रेगुलेटर यानी RPOS। द सिक्वेंस ऑफ जीन इन लाक ओपेरॉन इन विक्युलाई इज, तो अभी ऊपर जो बताया था वो क्या बताया था, आर पी ओ एस। तो आर नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा होगा RPOS था, आर नहीं है, प्रमोटर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा क्योंकि आर नहीं है। और जीन विच सिंथेस रेस्पिरेशन प्रोटीन इज, और 12 का डी हो जाएगा, रेगुलेटर जीन। रेस्पिरेशन प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाई, तो यहाँ पर रेगुलेटर जीन के द्वारा प्रोड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर करता है सुप्रेसर प्रोटीन को, सुप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटर तो ही संतुलित करता है। अकॉर्डिंग टू लाक ओपेरॉन कंसेप्ट विच फंक्शनल यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, रेगुलेटर होगा यहाँ पर 14 का बी।
सो प्रेसिंग एक्टिविटी बता रहा है ऑपरेटर का। इन ओपेरन कंसेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन है, और रेगुलेटर जीन फंक्शन है तो यहाँ पर रेगुलेटर ही काम तो करेगा वो सप्रेसर। हाँ सप्रेसर, रेगुलेटर जीन सप्रेसर का 15C। इन ओपेरन मॉडल रेगुलेटर जीन स्टॉप द फॉर्मेशन वगैरह ने प्रिवेंट द मूवमेंट क्या करेगा, या इनएक्टिवेट सबर टेंट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आरएनए होगा 16 का, और डी स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शंस। द रेगुलेटरी जीन आर लोकेटेड ऑन, तो रेगुलेटर जीन यहाँ पर कहाँ पर जाता है, इन द फ्रंट ऑफ रिट्रक्चर जीन, रिट्रक्चर जीन के सामने। जीन दैट आर द इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन आर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेट स्ट्रक्चरल जीन्स इज कॉल्ड, 18 का भी होगा रेगुलेटर जीन। टर्न अप यानी जो है ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देता है, तो यहाँ पर रेगुलेटर जीन तो करता ही। इन इंडूसिबल ओपेरन कंसेप्ट ऑफ जीन ए रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस्ड, सी होगा यहाँ पर सुप्रेसर। इंडूसिबल ओपेरन कंसेप्ट ए जीन रेगुलेटर प्रोड्यूस सुप्रेसर। इन द ओपेरन सिस्टम द सुप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड ओनली टू द रेगुलेटर जीन। इसका 20 का बी, 20 का यहाँ पर ऑपरेटर जीन होगा। ओपेरन सिस्टम द सुप्रेसर प्रोटीन कैन बाइंड ओनली द ऑपरेटर जीन। इन द ओपेरन कंसेप्ट द रेगुलेटर जीन रेगुलेट द केमिकल रिएक्शन इन द सेल बाय, 21 का होगा इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। इन ओपेरन मॉडल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू, सी हो जाएगा यहाँ पर इनहिबिट टीआरएनए ट्रांसलेशन। आरएनए पॉलीमरेज मरेज विच इज ऑन प्रमोटर इन्वॉल्व टू द स्ट्रक्चर जीन टू ट्रांसक्रिप्ट देम, हाउएवर द हैपन बैन। 24 का डी होगा यहाँ पर देयर इज नो सप्रेसर ऑन द ऑपरेटर। सर्टन सीक्वेंस ऑफ डी एन ए वेयर द सप्रेसर बाइंड टू प्रिवेंट डी आर एन ए पॉलीमरेज फ्राम द अटैचिंग टू द प्रोमोटर इज कॉल्ड, 25 का बी होगा ऑपरेटर। फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन कंट्रोल बाई, फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोल बाई यहाँ पर होगा रेगुलेटर जीन के द्वारा, और 26 का डी, वो 26 का यहाँ पर ओ ए होगा। फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कंट्रोल बाई ऑपरेटर। इन ओपेरन कंसेप्ट द ऑपरेटर जीन कंबाइन विथ, 27 का डी होगा यहाँ पर रेगुलेटर प्रोटीन टू स्विच अप स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्रिप्ट। द सेगमेंट ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज नाउन एज, द सेगमेंट ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करता है। और यहाँ पर डीएनए के लिए डीएनए सेगमेंट के लिए प्रोटीन उसे कहता है स्ट्रक्चरल जीन, जो कैब मोनाड स्टडी द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई एंड प्रपोज द ओपेरन कंसेप्ट विच अप्लीकेबल फॉर ऑल। 29 का ये होगा प्रोकैरियोटिक एंड सम यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स। द लाइक ओपेरन एग्जांपल ऑफ 30 का यानी 30 का भी होगा इंड्यूसेबल ओपेरन। लाइक ओपेरन रिलेटेड विथ 31 का यहाँ पर सी होगा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ऑफ लैक्टोज कैटाबोलाइज्म। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरन कंसेप्ट इज, सीक्वेंस ऑफ यहाँ पर बता रहा है स्ट्रक्चरल जीन इन द लैक ओपेरन कंसेप्ट इज, 32 का सी होगा यहाँ पर लैक बाई जेड ए,
लॉग वाई, लॉग जेड, लॉग ए। इन लॉक ऑपरेशन सिस्टम लॉक आई जीन कोड फॉर 33 का ऑप्शन बी होगा, सप्रेसर रिप्रेसर। इन द लैक्टोज ऑपरेशन ऑफ एरिस्टिया कोलाई यानी इकोलाई व्हाट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, 34 ऑप्शन का सी होगा, बिंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इन द लॉक ऑपरेशन स्ट्रक्चर जीन आर स्विच अप व्हेन सप्रेसर बाइंड टू रेगुलेटर, सप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, सप्रेसर बाइंड टू रेगुलेटर। ऑप्शन 35 का डी बी होगा, सप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर। द बाइंड टाइप बिल टाइप ई कोलाई सेल्स ग्रोइंग इन द नॉर्मल मीडियम विथ ग्लूकोज, दे आर ट्रांसफरेड टू मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन टेक प्लेस। 36 का आंसर 36 सी होगा, यहाँ पर द लैक ऑपरेशन इज इंड्यूस्ड। इन द लैक ऑपरेशन मॉडल लैक्टोज मॉलिक्यूल्स इज फंक्शंस एज, 37 का ऑप्शन सी होगा, इंड्यूस्ड विच बाइंड विद सप्रेसर प्रोटीन। इन रिचिया कोलाई लैक ऑपरेशन इंड्यूस्ड बाई, 38 का ऑप्शन है यहाँ पर, 38 का ये हो जाएगा लैक्टोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द इंड्यूसर इन द रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑपरेशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग द्वारा एक्ट एज द इंड्यूसर इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन मॉडल, तो इंड्यूसर लैक्टोज होगा, आपको बी होगा 39 का। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो यहाँ पर क्या होगा, 40 का आंसर, 40 का डी होगा, बोथ ए बी सी आर करेक्ट, यानी सुप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड द ऑपरेटर, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक बाई लैक जेड एंड लैक ए जीन अकर, तो ऑप्शन डी सही होगा दोनों। इकोलाई सेल विद द म्यूटेट जेड जीन ऑफ लैक ऑपरेशन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ऑन द लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, 41 का भी होगा, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज। इन लैक ऑपरेशन डिटेक्चर जीन जेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, 42 का आंसर सी होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। व्हेन द लैक्टोज इज एडेड टू द कल्चर ऑफ इकोलाई ए फ्यू इट्स मॉलिक्यूल गेट इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पर 43 का आंसर परमीज के द्वारा। द प्रोटीन रिक्वायर फॉर द ट्रांसपोर्टर ऑफ गैलेक्टोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन इकोलाई इज, 44 का यहाँ पर, 44 का डी होगा, गैलेक्टोज परमीएज। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल जीन आर प्रेजेंट इन द ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन ऑफ इरेशिया कोलाई, तो 45 का आंसर बी होगा 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लैक ऑपरेशन मॉडल, तो यहाँ पर प्रमोटर होगा, रेगुलेटर टक्चल मगर ये नहीं होगा, प्राइमर जीन 46 का ए। दिस इज नॉट प्रोड्यूस बाय ई कोलाई इन द लैक्टोज मीडियम, 47 का सी होगा, यहाँ पर लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। इन ई कोलाई ड्यूरिंग द लैक्टोज मीडियम मेटाबॉलिज्म सुप्रेसर बाइंड टू, वो 48 का ए हो जाएगा, ऑपरेटर जीन। इन केस ऑफ लैक ऑपरेशन व्हेन द डाइसैकेराइड एंटर्स द सेल 49 का बी हो जाएगा, 49 का बी
बाइंड टू द सप्रेसर एंड ट्रैक्चुअल जीन आर ट्रांसक्राइब्ड बिकॉज द सप्रेसर हैज एन अल्टरनेट कन्फर्मेशन इज इनएक्टिवेटेड एंड डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। वाट डज लैक ऑपेरन टू द वाट बी कॉल द लैक ऑपेरन। वाट डज लैक ऑपेरन रिफर टू इन वाट कॉल द लैक ऑपेरन। वाट डज लैक रिफर टू इन वाट बी कॉल द लैक ऑपेरन। बता रहा है लैक क्या है, लैक क्या रिफर करता है, क्या संदेत करता है और हम लैक ऑपेरन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिप्टी का ये हो जाएगा लैक्टोज के कारण। लैक मतलब लैक रिपोर्ट करता है लैक्टोज को, इसलिए हम लैक ऑपेरन को कहते हैं लैक्टेज को। लैक्टोज ऑपेरन इज कंसीडर्ड टू बी ग्लूकोज सेंसिटिव ड्यू टू 51 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा कैटाबोलिक इंडक्शंस के कारण। यहाँ पर मैच करना है 52 का पहले का यस हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर द एंजाइम प्रोटीन, और बी का यहाँ पर क्यू हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा क्यू, सी का टी हो जाएगा और रेगुलेटर जीन का हो जाएगा यहाँ पर रेगुलेटर जीन स्ट्रक्चर जीन का कोड फॉर द एंजाइम प्रोटीन और बी का यहाँ पर बाइंडिंग साइट फॉर द सप्रेसर प्रोटीन, सी का टी हो जाएगा प्रोमोटर जीन बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर ये बचा हुआ है जो जे क्यू का है कोड फॉर सप्रेसर प्रोटीन, ऑप्शन सी सही होगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो इसके बारे में क्या क्या सही है। तो यहाँ पर केवल थ्री सही है, रेगुलेटर जीन इज वन दैट प्रोड्यूस द सप्रेसर मॉलिक्यूल, तो जब तीसरा है तो अलोन इज करेक्ट थ्री। व्हेन ट्राइप्टोफैन इज प्रेजेंट, तो 54 का यहाँ पर बी हो जाएगा सुप्रेसर इज एबल टू बाइंड द ऑपरेटर। जीन बैटरी मॉडल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज इन यूकेरियोट्स वाज प्रपोज्ड बाय, 55 का आंसर यहाँ पर सी होगा ब्रिटिन एंड डायविसन। स्पिट जील्स, तो यहाँ पर स्पिट जीन है, द कंसेप्ट ऑफ स्पिट जीन इज दैट, तो 56 का आंसर, 56 का आंसर यहाँ पर कितना होगा, कोडिंग सीक्वेंस इन मैनी यूकैरियोटिक जीन ऑफन भी कह सकते हैं सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स एंड कोडिंग पार्ट ऑफ एग्जॉन्स कंपोज्ड ऑफ जीन कॉल्ड इंट्रॉन्स, और एग्जॉन जो है कोडिंग वो तरह है नॉन कोडिंग इंटू द पार्ट ऑफ एग्जॉन एंड इंट्रॉन्स, तो इसे क्या कहते हैं दोनों पार्ट जो इसमें उपलब्ध हों। तो 70 का ये हो जाएगा यहाँ पर स्पिल्ट जीन।
स्पिल जीन आर मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर एक्जॉन एंड इंट्रॉन्स। इन स्पिल जीन द कोडिंग लॉन्ग सिक्वेंस आर कॉल्ड, तो दोनों होते हैं स्पिल जीन में, यहाँ पर एक्जॉन और इंट्रॉन्स, तो कोडिंग सिक्वेंस होता है मतलब उसमें दोनों जुड़े होते हैं इंट्रॉन एक्जॉन, तो उनके जोड़े को क्या कहते हैं दोनों के क्रम को, इंसर्ट का यहाँ पर ये हो जाएगा एक्जॉन्स। पोस्ट क्रम्स क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकेरियोट्स इज रिफरेड एज, तो पोस्ट क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यूकेरियोट्स रिफरेड, तो 67 का यहाँ पर स्प्लिसिंग रिफरेड स्प्लिसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग द एग्जॉन्स, मतलब इंट्रॉन्स को हटाना और एग्जॉन को जोड़ना, डिफाइन ऑर्डर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉल्ड, 61 का आंसर सी होगा स्प्लिसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग इज 62 का हो जाएगा एन इवेंट दैट अकर आफ्टर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड। विच इज इनिशियल स्टेप इन एमआरएनए म्यूटेशन प्रोसेस, 63 का बी होगा यहाँ पर 5 कैपिंग। प्राइमरी आरएनए प्रोडक्ट ट्रांसक्राइब्ड बाय यूकेरियोटिक जीन कंटेन द रीजन कंप्लीमेंट्री टू, 64 का सी होगा यहाँ पर बोथ एग्जॉन एंड इंट्रॉन्स। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोटिक विल बी, इमीडिएट प्रोडक्ट बता रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन में यूकेरियोटिक में होता है होगा, 65 का ये होगा एच एम आर एन ए। इंटरवेनिंग सिक्वेंस ऑफ जीन आर नाउन एस, 66 का एक हो जाएगा इंट्रॉन्स। पार्सन ऑफ जीन विच ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड, ट्रांसक्राइब्ड होता है मतलब ट्रांसलेट नहीं होता है मगर, तो कौन सा है जीन का भाग बता रहा है, पार्सन ऑफ जीन विच ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड, 67 का भी होगा यहाँ पर इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए। इंट्रॉन्स ट्रांसक्रिप्ट द हेटरोजेनस न्यूक्लियर एमआरएनए इन एचएनआरएनए आर रिमूव फ्रॉम रिमूव्ड एंड एग्जॉन ट्रांसक्रिप्ट आर जॉइंड टुगेदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, दीज एग्जाम्पल्स आर, 69 का डी होगा स्प्लाइसिसोम्स। द पार्ट ऑफ एम आर एन ए विच रिमूव आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन बाई द आरएनए स्प्लिंटिंग इज, तो इंट्रॉन्स, 70 का यहाँ पर सी होगा इंट्रॉन्स को हटा देते हैं और एग्जॉन को जोड़ते हैं, तो स्प्लिसिंग द्वारा स्प्लिटिंग द्वारा एम आर एन ए के। एट द टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस जीन्स रेगुलेटेड द प्रोसेस एट डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू, 71 का ये हो जाएगा एक्जॉन। एग्जॉन पार्ट ऑफ एम आर एन ए कोड फॉर, 70 का प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनिट्स द एग्जॉन सेगमेंट आफ्टर द आर एन ए स्प्लिसिंग, 73 का ये हो जाएगा आर एन ए लाइगेज। विच एंजाइम इज यूज्ड टू मूव द इंट्रॉन्स, यहाँ पर राइबोजाइम यहाँ पर इंट्रॉन्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है। ऑल द यूकेरियोटिक जीन कंटेन टू काइंड ऑफ बेस सीक्वेंसेस विच दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस,
बता रहा है यूकेरियोटिक जीन कंटेन काइंड ऑफ बेसिस सीक्वेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 75 का, 75 का ये होगा एग्जॉन्स। डिफरेंट डिफरेंटेशन एंड डेवलपमेंट 76 का, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड इन्वेस्टिगेटेड एज ए वर्किंग मॉडल फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट म्यूटेट म्यूटेंट्स, तो 200 फिल्ला होम्योटिक म्यूटेंट आर म्यूटेंट्स इन विच 76 का और 77 का ये वन स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाई अनोदर इन 200 फिल्ला डोरिंग द ओपेरा ऑर्गन डिफरेंटेशन डिफरेंटेशन वन ऑर्गन कैन रिप्लेस बाई अनोदर लाइक विंग्स बाई लेंग्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये यहाँ पर 78 का भी होगा होम्योटिक जीन्स। द मोस्ट ऑफ द होम्योटिक जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पर 79 का सी होगा 3। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।